शायद नेक्स्ट मंथ हमारा शो शुरू हो जाए सोनी टीवी पर ही, द कपिल शर्मा शो सीज़न 2, और लोगों को बहुत इंतज़ार है और मुझे उन लोगों से भी ज़्यादा इंतज़ार है कि यार मैं भी ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता हूँ। और ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आप लोग कब शो शुरू कर रहे हो, तो बस आप लोगों का प्यार है, ब्लेसिंग्स हैं, बेस्ट विशेज़ हैं, हम लोग जल्दी शो शुरू कर रहे हैं जी। मैं वर्कोहोलिक हूँ, इफ़ आई एम नॉट वर्किंग तो मैं रह नहीं पाता हूँ। मैंने बहुत ये सब पीना वीना शुरू कर दिया था, पर ठीक है वो मेरी गलती भी थी, लेकिन अगर इंसान को पता हो कि वो गलत कर रहा है तो वो गलत करेगा नहीं शायद, तो उस समय इंसान को पता नहीं होता। मैंने बड़ा ये सब ड्रिंक विंक करना शुरू कर दिया था, फिर एक टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मुझे अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। मेरे माँ बाप, मेरे माँ की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मेरी जिम्मेदारी बनती है, तो वो सारी चीज़ें कट ऑफ हो गई। सो मैंने सारी बैड हैबिट्स जो हैं अपनी वो क्विट कर दी हैं जो मुझे पीछे ले जा सकती थी। सो ठीक है, हर आदमी सीखता है सर। तो मुझे लगता है मैंने बैचलर लाइफ इतनी देखी है, हॉस्टल लाइफ में इतना रहा हूँ, इस फील्ड में ट्रैवलिंग इतना किया, अलग अलग लोगों से मिलते हो आप, तो पर मैं अगर ये कहूँ कि मैं शुरू से ही ऐसा होता, बिल्कुल जी वैष्णो, मैंने तो कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, ये सब ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली होते भी लोग जिन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, पर आदमी अपनी लाइफ से सीखता है, उसके एक्सपीरियंस से सीखता है, तो मैंने भी सीख रहा है और सीख रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं सब कुछ सीख चुका हूँ। मुझे लगता है आदमी जब तक आखिरी सांस नहीं लेता है वो तब तक सीखता रहता है। सो मैं भी उनमें से एक हूँ। आजकल एक नई चीज़ चली है हैशटैग, तो उसके ऊपर हैशटैग करके उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम लिख देते हैं, फिर उसके ऊपर चर्चा करनी शुरू कर देते हैं और फिर एक दो दिन बाद वो चर्चा बंद हो जाती है। मैं ये सोचता हूँ कि अगर जैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी चर्चा हो रही है जी, तनुश्री दत्ता के केस में, तो सिर्फ अच्छा वो तनुश्री पब्लिक फिगर है तो इसलिए वो न्यूज़ हाईलाइट हुई होनी भी चाहिए कि अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है, हालांकि मुझे पूरा उस इंसिडेंट के बारे में पता नहीं है, क्योंकि दोनों साइड की स्टोरी अपनी अपनी स्टोरी होती है, मुझे उसके बारे में पता नहीं है, तो बिना कुछ पूरा स्टोरी को समझे बिना मैं उसके ऊपर अगर कमेंट करूं तो वो मेरी बेवकूफ़ी होगी। लेकिन हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है या हुआ है, वो चाहे कोई भी फील्ड हो, ये नहीं है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में लोग लाइमलाइट में हैं तो सिर्फ उन्हीं की बात की जाए। मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ देखता हूँ सर, जिसमें अभी हाल ही में मैंने देखा था, पता नहीं एमपी का वीडियो था कि बिहार का वीडियो था, उसमें लड़की एक अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है बाइक पे, उसको 4-6 लड़कों ने रोक लिया और लड़की को खींच रहे हैं, उसको मार रहे हैं, लड़के को पीट रहे हैं और लड़की बेचारी दुपट्टे से अपना मुंह ढक रही है और उसको बोल रहे हैं दुपट्टा नीचे कर। क्या क्राइम किया उसने? वो अपनी मर्ज़ी से बाली गया लड़की। अगर वो किसी को प्यार करती है या उन लोगों ने कुछ ऐसे लाइफ में डिसीजन लिए हैं कि आगे चल के हम लोग शादी करने वाले हैं, ये जो आजकल घटिया किस्म के लोग मार्केट अपनी सोसाइटी में घूम रहे हैं, जो अपने सिर्फ उनके मोबाइल में कैमरा लगा हुआ और सिर्फ अपने 4 लाइक्स बढ़ाने के लिए ये लोग शूट कर रहे हैं, इनको किसने हक दिया? मुझे लगता है ये केस भी एक्सपोज होने चाहिए और ऐसे 5-6 लोगों को अगर एक बार हमारी गवर्नमेंट जो है, पुलिस जो है, एक बार सजा देगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी हरकत करने की सोचेगा। तो ये सब मुद्दे भी आने चाहिए, पर प्रॉब्लम ये है कि हमारा मीडिया खाली उन्हीं लोगों को उठाता है जो लाइमलाइट में है, जिनको पता है कि चलो इनके बारे में लिखेंगे तो इनके फैंस उस न्यूज़ को फॉलो करेंगे, 4 लाइक्स आएंगे, 4 डिसलाइक्स आएंगे। मुझे लगता है कि मीडिया सर 4th पिलर है हमारी डेमोक्रेसी का, तो आप लोगों के पास बहुत बड़ी पावर है, अगर आप सही इस्तेमाल इसका करें और दिल से ऐसे लोगों को एक्सपोज करें जो ये सब करते हैं, तो मुझे लगता है कि एकदम से नहीं लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी बदलेगी ज़रूर, लोगों की सोच बदलेगी। मराठी किसी बॉम्बे में किसी रिपोर्टर के ने एलिज किया था कि आपने उनसे मिसबिहेव किया, कुछ बात करना चाहेंगे उस बारे में? आपको पूरा पता सर उस न्यूज़ के बारे में? वो लिखा गया था कि अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, वहाँ पे पार्टी हो रही थी, हम सब लोग नाच रहे थे और ये बड़ी पुरानी न्यूज़ है सर, और किसी ने एक्चुअली मेरे ऊपर क्लेम भी नहीं किया, तो वही बात है ना कि नेगेटिविटी बड़ी बिकती है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज एक आदमी ने लिखा, आगे आदमी ने दूसरे पोर्टल के लिखे अकॉर्डिंग टू फलाना सोर्सेज, अकॉर्डिंग टू दैट पोर्टल, तो आगे आगे अपनी नेगेटिव न्यूज़ बेचते रहते हैं। इसमें कोई भी सच नहीं था, ना ही किसी ने बोला कुछ, तो रबिश न्यूज़ थी, मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहता था। सोशल मीडिया पे भी चले जाओ, और जैसे आप अभी ये बात कर रहे थे कि मी टू कैंपेन, मुझे लगता है कि ऐसी कैंपेन भी चलनी चाहिए जो डिजिटल वर्ल्ड पे लोग कुछ भी लिखते हैं, इतनी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो नीचे कमेंट्स में अगर किसी लड़की ने कुछ अपनी उसकी मर्ज़ी है, जैसी मर्जी ड्रेस पहने, वो इस देश की नागरिक है, उसको भी पूरे हक हैं, नीचे पता नहीं क्या क्या बकवास लिखते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा बहुत सारी हीरोइंस के साथ ऐसा हुआ है, अभी अमीषा पटेल का एक केस आया था, उनकी ड्रेसिंग सेंस के ऊपर, उनकी ड्रेस के ऊपर कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे। तो ये अब मोबाइल डाटा फ्री मिल जाता है, बहुत सारी कंपनीज ने ना डाटा फ्री दे दिया लोगों को, उसकी वजह से जो आदमी जिसकी सोच भी नहीं है वहाँ तक सोचने की या पहुँचने की, वो भी अपने कमेंट्स रखो, आपको पूरा हक है, लेकिन गंदी शब्दावली का प्रयोग क्यों करते हो आप? आपके घर में भी माँ बहनें हैं,
ठीक है ना, हर एक की अपनी सोच है, अपना ड्रेस, वो जैसे मर्जी पहने, आप कौन होते उसको रोकने वाले। तो ये सब चीज़ें भी सर ये उठानी चाहिए, ये मुद्दे भी बड़े सालों से खबर आ रही है जी ये अभी तक कोई डेट ऐसी डिसाइड हुई नहीं है, पर जी हाँ मुझे ये अभी फ़िलहाल मैं फोकस कर रहा हूँ सर कि मेरी ये फिल्म जो है 12 अक्टूबर को रिलीज़ हो जाए, उसके बाद मैं टीवी पे, क्योंकि अगर मैं शादी करूँगा तो बीवी को कमा के खिलाना भी तो है कि नहीं, तो साथ में अपना शो भी शुरू हो जाए, उसके बाद फिर इस पे फोकस किया जाएगा।